ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू एमबी माइनस। गाइज, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए गाइज, चलते हैं आउटडोर। उससे पहले ले लेते हैं अपने कुछ औजार। ये गाइज, चलिए गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं एसिक माइनर की क्लीनिंग। एंड काफ़ी हमारे व्यूअर्स ने बोला था कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो देयर इज़ अ मशीन। तो गाइज, हमारे पास में काफ़ी गंदी E9 Pro मशीन है, एंड पैनल E9 Pro 3780 मेगा हैश। तो गाइज, इसको क्लीन करने का प्रोजेक्ट आज हम लोग ने लिया है। लेट्स क्लीन इट एंड आपको दिखाते हैं कि कैसे एसिक माइनर को क्लीन किया जाता है सेफली, जिससे कोई भी डैमेज ना हो और एसिक माइनर प्रॉपरली क्लीन हो जाए। एंड इसको हम लोग फ्रीक्वेंटली करते हैं, लेट्स सपोज मंथली एक बार, या डिपेंडिंग अपॉन आपके एरिया में कितनी डस्ट है उस हिसाब से। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, एज वी कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे एक फ्रंट पैनल है जिसमें दोनों फैन लगे हुए हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम लोग को ये चार स्क्रूज नीचे भी लगे हैं दो, इसको ओपन करके इसको निकाल लेना है। तो ओवर टू यू अभय। देयर यू गो। सो अभय विल डेमोंस्ट्रेट अस। तो हम लोग आगे के चारों स्क्रूज ओपन कर लेंगे एंड सिमिलर फॉर्मेट में पीछे से भी ओपन कर लेंगे। हियर आर द स्क्रूज, ये सब ओपन करके एंड देन वी ओपन द मशीन। तो गाइस, फ्रंट पैनल जैसा कि देख सकते हैं, ये चारों स्क्रूज ओपन हो गए हैं एंड दिस हैज कम आउट। तो गाइस, इस तरह से ये बाहर आ जाता है एज वी कैन सी। तो देखिए कितनी डस्ट है गाइस इस माइनर के अंदर, बहुत सारी डस्ट है। इसमें दो ही हैशबोर्ड होते हैं, बट वी नीड टू रेगुलरली क्लीन आर एसिक माइनर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स लाइफ। एंड इसकी माइनिंग की एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर्स भी अच्छे रहते हैं। सिमिलर फॉर्मेट में हम लोग पीछे वाला भी गाइस ओपन कर रहे हैं। अभी पीछे वाला भी फैंस का पैनल निकाल देंगे। देयर इट इज। तो गाइज, ये हमारी पूरी मशीन ओपन हो गई है। यहाँ का एक स्मॉल स्क्रू था, वो भी ओपन कर दिया है एंड ये पूरी मशीन अपनी ओपन हो गई है। मेक श्योर गाइज, मेक श्योर कि यू आर कीपिंग ऑल द स्क्रूज सेफ, जैसे कि सारे स्क्रूज हम लोग ने रख दिए सेफली यहाँ पे। नाउ लेट्स क्लीन द मशीन। तो फैंस के पैनल को फैन इसके ऊपर रख सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड अब हम लोग ब्लोअर मारेंगे इस पर। देखिएगा गाइस, बहुत अच्छी डस्ट, अच्छी खासी डस्ट निकलती है। काफी डस्ट है गाइस इसमें। क्लीनिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है गाइस, जब भी हम लोग एसिक माइनर्स क्लीन करते हैं तो गाइस मेक श्योर कि जो इसके फैंस हैं, कई लोग क्या करते हैं कि फैन को इसमें लगे हुए ही ये ब्लोअर मार देते हैं, बट दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। बिकॉज अगर ये फैंस मूव करेंगे तो ये सर्किट में इसके वायर्स क्योंकि कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं कंट्रोल बोर्ड में, तो उससे एक रिवर्स करंट इंड्यूस होने का डर रहता है, जिससे फैंस भी खराब हो सकते हैं और इट कैन अफेक्ट एंड डैमेज आर कंट्रोल बोर्ड एज वेल। तो मेक श्योर आप फैंस रिमूव कर दें एंड उसके बाद ही क्लीनिंग करें इसकी। बची कुछ डस्ट वी कैन गाइज क्लीन इट बाय ब्रश। ये एक बेसिक वे हो गया क्लीन करने के लिए। चलिए गाइज, इसके हैशबोर्ड्स निकाल के आपको हैशबोर्ड्स क्लीन करना दिखाते हैं। तो हैशबोर्ड्स स्क्रूज पे होते हैं जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। तो नाउ वी विल ओपन द स्क्रूज। इसके हैशबोर्ड की डेटा केबल भी डिस्कनेक्ट कर देंगे हम लोग, जिससे कि हैशबोर्ड बाहर आ सके। एसिक माइनर्स का एक रेगुलर ऑपरेशन रहता है 24/7, इस वजह से काफी गंदे हो जाते हैं। नाउ लेट्स टेक आउट द हैशबोर्ड्स।
मेक श्योर यू केयरफुली टेक दम आउट. इसमें हम लोग को बहुत ही केयरफुली इसको निकालना है जिससे कोई भी डैमेज ना हो. तो ये रहा गाइस हैशबोर्ड. इसमें अंदर तो बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं होती है, बट थोड़ी बहुत डस्ट के लिए वी कैन ऑलवेज रिमूव इट एंड हम लोग इस पर ब्रश मार सकते हैं फ्रंट एंड बैक. दैट्स हाउ वी कैन टेक आउट द डैशबोर्ड्स एंड क्लीन. गाइस दोनों हैशबोर्ड क्लीन हो गए हैं एंड वी विल प्लेस द हैशबोर्ड्स राइट बैक इनसाइड. इसको स्लोली और केयरफुली इसको हम लोग को वापस अंदर फिट करना है. देयर वी गो. तो हैशबोर्ड्स गाइस क्लीन हो गए हैं. अगर हैशबोर्ड्स में इफ समटाइम यू सी कि यहाँ पे डस्ट काफ़ी ज़्यादा अक्यूमलेट हो गई है या फिर चिपक गई है, तो यू कैन ऑल्सो यूज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से यू कैन ईजिली क्लीन द हैशबोर्ड्स अगर यहाँ पे ज़्यादा डस्टिंग है तो, अदरवाइज यू कैन जस्ट नॉर्मली क्लीन इट. तो हैशबोर्ड्स गाइस फिक्स हो गए वापस. And after this, we will clean the fans and the PSU. You guys, you can use any blower. हम लोग use कर रहे हैं Bosch का, because it's very durable, good quality. But make sure, guys, कि जब भी हम लोग clean करें fans को, तो we should stop the fans. PSU के back side में generally काफी dust हो जाती है, guys. PSU में ब्लोअर मार सकते हैं. बट अगेन वी हैव टू मेक श्योर वन थिंग कि इसमें स्लोली फैन मारे, नहीं तो यहाँ पे आगे फैंस हैं इसमें, वो मूव कर सकते हैं PSU के फैंस. लेट मी शो यू कि इसको कैसे रोक करके हम लोग कर सकते हैं. उसमें कुछ फंसा के यू कैन स्टॉप द फैंस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ हम लोगों ने फंसा दिया जिससे कि फैंस मूव ना करें. काफी डस्ट हो जाती है गाइस एसिक माइनर्स में. गाइस इसमें भी फैंस को रोक दिया है एंड उसके बाद टाइम टू पुट बैक द फैंस पैनल. तो गाइस ये क्लीन हो चुका है जैसा कि देख सकते हैं, तो इसको वापस इंस्टॉल कर देंगे एंड सिमिलरली पूरी मशीन अब बंद करके एंड देन वील पुट इट बैक टू वर्क बिकॉज टाइम इज मनी इन माइनिंग गाइस. सो गाइस दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. See you guys next time. If you have any doubt, you can always reach out to me guys on this WhatsApp number or visit our website mbminus.com. See you guys in the next content and the next video. Mind better, mind strong.